संसार में सब कर्म करो, खेती में जाओ, बिजनेस करो, फैक्ट्री संभालो, ऑफिस करो, खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, जो चाहे करो, सिर्फ एक याद रखो, कोई दिखाई दिया आपको, कोई भी हो, देखते ही मन में शिव बाबा ये आपका विचार। क्योंकि बाबा क्यों कहा, पिताजी के जेब में हाथ डाल सकते हो, भाई के जेब में हाथ डाल सकते हो, नहीं कहे मेरा, पिताजी मेरा अधिकार है, भगवान के हम बच्चे, पिताजी शिव बाबा इस आत्मा का कल्याण करो। संभव है कि कठिन है? अब बताओ, कठिन राजयोग है? हाँ थोड़ा कठिन है, कर सकते हो, कल जवाब मिलेगा। ऐसे नहीं, ये ब्राह्मण ऐसे दवाई लेके जाएगा नहीं, कुछ दक्षिणा भी लेके जाएगा ना, नहीं भाई जी आप सुनाओ, नहीं ये सुनाने वाले कथा नहीं, ये तो हमारे में एक आदत हुई है, सुन के जाने जाते समय खाली हाथ, कुछ काम लेके जाओ, और एक महीने के लिए कड़वी दवाई है कि मीठी है, चलेगा? कड़वा है तो बताओ भाई जी, ये नहीं हो सकता, और सोल्यूशन सहज है, और भी सहज बताता हूं, अगर इससे और सहज चाहिए तो वो भी है, लेकिन ये सहज है नंबर वन, कर सकते हो। हाँ लेकिन माता जी कहती है भाई जी मैं अकेली रहती हूँ घर में, मेरे सामने कोई नहीं, मैं किसको दे दूं, प्रश्न आएगा ना, मैं अकेला हूँ। हाँ उसकी भी सॉल्यूशन बताता हूँ, आपके सामने कोई नहीं, अकेले हो, लेकिन खाना खाते, कपड़े धोते, स्नान करते याद आता है, देखो उस भाई ने उस दिन कितना दुख दिया, याद आएगा, सामने नहीं है, मन ही मन सोचो शिव बाबा वो आपका बच्चा है, उस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो, ऐसा कर्म और मन ही मन में उसके प्रति, उसको कहते दुआए शुभ भावना मनसा सेवा, ठीक है, मन ही मन में उसके लिए गलत नहीं सोचना, उसको सजा दे दो, उसको ऐसे करो, ये नहीं करना, क्योंकि भगवान का बच्चा है, किसी कारण गलत कर सकता है, मन ही मन में उसके लिए शुभ सोचो, संभव है? जो समझते ये करके कल बताएंगे वो हाथ उठाओ, फिर से देख लो, दवाई लेने के बाद पता चलेगा ना कठिन है कि सहज है, कर सकते हो, कल बताएंगे पक्का, भूलना नहीं।